इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। शिवसेना यूथ विंग ने यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर की परीक्षा कराने के यूजीसी के फैसले को चुनौती दी है। शिवसेना यूथ विंग ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है, जिसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार परीक्षा आयोजित करने की अनुमति देकर देश भर में छात्रों की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही है, डर मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य की अनदेखी कर रही है। तो एक बार फिर से हम आपको इस खबर को बताते हैं। दरअसल ये खबर इसलिए है क्योंकि कोरोना का डर, कोरोना का प्रभाव महाराष्ट्र में बहुत बढ़ता जा रहा है, और इस बीच में शिवसेना के यूथ विंग ने यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर की परीक्षा कराने के यूजीसी के फैसले को चुनौती दी है। शिवसेना यूथ विंग ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की, जिसमें कहा गया कि केंद्र सरकार परीक्षा आयोजित करने की अनुमति देकर देश भर में छात्रों की सुरक्षा, डर एवं मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य की अनदेखी कर रही है। शिवसेना ने सीधे तौर पर निशाने में लिया है केंद्र सरकार को, जिस तरह से एग्जामिनेशन की, वैसे थोड़ा अपडेट ये भी आपको दे दे, जो एग्जामिनेशन डेट्स है वो लगातार कहीं ना कहीं पोस्टपोन होते गए, और कोरोना संकट को देखते हुए कई जिम्मेदारियों को लेकर एहसान अब्बास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एहसान, इन आरोपों के पीछे क्या तर्क रखा गया? देखिए, दरअसल जो फाइनल ईयर एग्जाम्स हैं वो ना कराने के लिए अड़ी हुई है महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार, और शिवसेना की युवा जो सेना है, आदित्य ठाकरे उसके अध्यक्ष है, युवा सेना ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उन्होंने ये बात रखी कि ऐसा माहौल है कोरोना काल में जबकि संक्रमण बढ़ रहा है महाराष्ट्र में और देश भर में, ऐसे में जो फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम कराने की आखिर क्या जरूरत है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने पहले ही फैसला लिया है कि आर्ट, कॉमर्स और साइंस के जो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम ना कराए जाए, बिना एग्जाम के ही स्टूडेंट्स को पास कराने की उसका सरकार ने ऐलान कर दिया, लेकिन यूजीसी के निर्देश के बाद अब पेच फंस गया और इसी के खिलाफ जो आदित्य ठाकरे की जो पार्टी है युवा सेना ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। ठीक है, तो शुक्रिया आपके इन तमाम जानकारी के लिए। तो युवा शिवसेना के जो उसके विंग के हैं, उन्होंने अब दरवाजा खटखटाया और सीधे तौर पे केंद्र के पास चुनौती दी।